हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जैश मोहम्मद के ठिकानों पर हमले के बाद आज बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई में भारत का एक मिग 21 क्रैश हो गया और एक पायलट लापता है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत का विमान पाकिस्तानी इलाके में क्रैश हुआ और घायल पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार ने कहा कि वो पाकिस्तान के दावों की जांच कर रही है। इन गहमा गहमी के बीच पाकिस्तान ने आज सीज फायर का भी उल्लंघन किया, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान के इरादे को देखकर भारत सरकार ने सरहदी गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। सरहदी इलाकों में बीएसएफ, सेना और पुलिस के अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत पाक के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को भी फिलहाल रोक दिया है। पाकिस्तान की हरकतों को देखकर भारत ने सरहदी इलाके के तमाम हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या आतंकवाद पर चुप्पी से इमरान खान का असली चेहरा उजागर हो रहा है? क्या बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ दिया है? और क्या आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के पक्के इलाज का वक्त आ गया है? हिंदुस्तान का पैगाम, चिथड़े चिथड़े पाकिस्तान। पहले नजर डालिए घटनाक्रम पर, फिर बातचीत की शुरुआत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। हिंदुस्तान का पैगाम, चिथड़े चिथड़े पाकिस्तान। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पुलवामा में हमले करवाकर रंग जिसने दिखाया, उसको अब हम अपनी औकात बताएंगे। पहले माफ करते आए हैं, अब साफ करते जाएंगे। एस्केलेशन करके पाकिस्तान सिर्फ ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान ये आतंकी राष्ट्र है, क्योंकि हमने ये कल बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमारा जो कल का एयर स्ट्राइक है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठाणों के ऊपर है, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर है। उनका संरक्षण करने के लिए अगर आप ये जवाबी कार्रवाई कहते हैं तो फिर तो आप एक आतंकी राष्ट्र है, क्योंकि आप आतंकवादियों का संरक्षण कर रहे हैं। हर चीज का जो भी आप भारत के खिलाफ करोगे उसका मुंहतोड़ जवाब भारत जरूर देगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका नक्शा इस धरती पर से हम परमानेंटली मिटा दें। मैं पाकिस्तान से कह देना चाहता हूं कि भारतवर्ष से मुकाबला तुम नहीं कर सकते, भारतवर्ष के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ये इस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, नहीं तो मैं कहूंगा कि अब तो नगाड़ा बज ही चुका है सरहद पर शैतान का। नक्शे से नाम मिटा दो सुअर पाकिस्तान का। झेप मिटाने के लिए इसे हमारी सेना का हमला कहोगे? दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकते इसलिए चुनावी जुमला कहोगे? ये जो आवाज आई थी मिराज की नहीं, हिंदुस्तान के इरादे की थी। आतंक को पालने वाले तुम तो इसे बकवास कहोगे। तो ये बौखलाहट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो अपनी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायुसेना, नौसेना, उसके सामने पाकिस्तान की कोई ताकत नहीं है। हम चुप नहीं थे पुलवामा के बाद, बस हमने तुम्हें कहने दिया। हम चुप नहीं थे पुलवामा के बाद, बस हमने तुम्हें कहने दिया। तुम्हें क्या लगता है कि पानी हमने रोका? वो तो रावी ने कहा, खबरदार जो ऐसे मुल्क में बहने दिया।
हमारे बाजू में कितना जोर है वो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान गूंगी और बहरी हो चुकी है, आतंकवाद के मानसिकता ने उसको घेर रखा है। पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है, यानी नक्काशे पे रहना है, ज्योग्राफिकल मैप पे रहना है, तो आप ये फालतू धंधे बंद कर देने चाहिए। आतंक का दर्द तो तुमने भी पेशावर में भुगता है, आतंक का दर्द तो तुमने भी पेशावर में भुगता है, ओसामा को पालने का नतीजा भी भुगता है। अगर नहीं तैयार कर सकते हो मसूद और हाफिज जैसे दरिंदों के फंदे, हमारी सेना में तैयार हैं जाबाज परिंदे। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी, आज तो वो भी संभव है। पाकिस्तान तो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है, वो बिल्कुल कंगाल देश है और उसके पास पैसों के लिए भीख मांगने वो कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी चीन के साथ, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास जाता है, आईएमएफ के पास उसकी एप्लीकेशन है। तो वो अपना कुछ दिखाने के लिए गीदड़ भपकी ज़रूर देगा, पर भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ, टेररिस्ट लोगों के खिलाफ इफेक्टिव एक्शन ले। भारत भी पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहता। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश